जिला पंचायत के महात्मा गांधी सभागार में आज जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में सामान्य सभा प्रशासन की बैठक बुलाई गई, जहां ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए सर्वसम्मति से विकास की सहमति बनी, वहीं लापरवाहों पर सभी सदस्यों की सहसम्मति से निलंबन की गाज गिराई गई और उन्हें हटाया गया। जबकि इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभव पटेल ने अध्यक्ष अभय मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष की उदासीनता के चलते ग्रामीण विकास का कोई कार्य नहीं कराया जा सका, जिस पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बीच काफी समय तक नोकझोंक चलती रही। वहीं हटाए गए कर्मचारियों में कुछ लोगों की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा की गई थी, जबकि कुछ की नियुक्ति उपाध्यक्ष के द्वारा की गई थी, जिन्हें सर्वसहमति से हटाया गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा से जानकारी के अनुसार अभी उम्मीद बनी रहती कि अपना टाइम है कर लेंगे, बीच बीच में अपन लोगों भी करते रहे। जब हम जनपद अध्यक्ष थे उस समय देखा कि स्कूलों के निर्माण का जो पैसा है और चुनाव हुआ तो सरपंच सचिवों ने एक तरफा निकाल लिया और उसमें धारा 40 बांधने भले करते रहो लेकिन वो पैसा नहीं लौटा। आज भी जो काम प्रारंभ है या चल रहे हैं जिनकी एक किस्त निकल गई उसमें हमारी मजबूरी है कि हम उसको दबाव बना के पूरा कराएं, लेकिन जो काम अप्रारंभ है जिसमें हाथ ही नहीं लगा, हमें मालूम है कि 2 महीने 15 दिन के अंदर चुनाव होने वाला है 1 महीने के अंदर, उसको वो पैसा अब आपको लगता है वो कराएंगे कि खटाखट कागज में खेल लेंगे। ऐसे पैसों को अपन ने चिन्हित करके वापस करके कि कोई कायदे का काम कर लिया जाए। अब बाकी ये गलत नाम नहीं चलेगा कि मतलब हमारे मर्जी से कर दे और जो काम हमारी इच्छा का 2 आदमी कर लिया हो और हम कहते हैं कि चुपचाप रहन दो, ये नहीं चलेगा। हम तो सबके लिए एक रूल की बात कर रहे हैं। हमने अगर किसी एक का कराया तो बताओ आप, और या तो फिर साथ रखा जाए। देखो मैं गलत काम तो नहीं करूंगा, चाहे कोई हट जाए तो हट जाए, लेकिन मुझसे गलत काम की उम्मीद मत। आरोप लगा रहे कि मैंने रखा है तो मैं त्रिपाठी आप ही के आदमी है तो ये सिफारिश से रखा गया है और इनको हटाया जाए गलत है। अब जब राधे श्याम निकल रहा है, राधे श्याम जो आप कहती हो, आप कहती हो एक गलत के साथ 10 भले हो जाए और मैं कहता हूँ जब बैठी आपके बैठक में 5 साल में कोई हित का काम नहीं हुआ, किसी के हित का काम, कोई सदस्य का हमको जनता चाहते कुछ नहीं, जनता सेवा ली जा रही है, इनकी सेवा ली जा रही है, इनकी सेवा को सेवा समाप्त कर इनकी आवश्यकता को न समझते हुए इनके सेवा समाप्त किए जाने का निर्णय लिया, जिसमें विभा पटेल जी को छोड़कर शेष सभी सदस्यों ने सर्वानुपात सर्वसम्मत से प्रस्ताव को पारित। चलिए आप उसको भी हटवा दीजिए, मेरा आदमी है ना तो कर दीजिए, राज्य विभा श्रीवास्तव ने प्रस्ताव विभा पटेल जी ने प्रस्ताव अरे कुछ नहीं साहब, यात्री हैं, गुजर जाएंगे, आज दुनिया में है कल ना रहेंगे, जो ड्यूटी लगती है जो सामने आता है, ना कोई अपना ना कोई पराया, जो सामने है जो उचित लगा, जो एजेंडा जो सब सदस्यों की राय हुई उसी में अपना कर लिए। मुख्य बिंदु क्या थे आपकी बैठक? मुख्य बिंदु जो हमारे सदस्यों का बिंदु था, जो लोगों को ग्राम पंचायतों के विकास से जुड़ी बातें थी, जो सबको संतुष्ट करके चलने लायक बातें थी, और इस बार की विशेषता सबसे बड़ी ये थी कि किसी के विरोध में बैठक नहीं थी, किसी को कमेंट नहीं था, किसी के खिलाफ नहीं था, समझना नहीं। और अपन हम भी उस स्वभाव को बदल रहे हैं कि किसी के पीछे ये वो करना ये सब की जरूरत नहीं है, अपन अपनी ड्यूटी करें, बात खत्म। कुछ लोगों के निलंबन के लिए आपने पत्र लिखा है? हमने नहीं लिखा है, जो सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है, मैं अगर पक्ष लेता हूँ तो लोगों को लगता है कि मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, और वो चारों तरफ से इतने तेज सदस्य पूरा प्रूफ लेके आते हैं, जब प्रूफ लेके आते हैं मेरा मुंह बंद हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने कब वो रखा तो एक हमारे घर के आदमी का लोगों ने निकाल के कि इसका भी होना चाहिए, तो हमने कहा कर दो भैया, लेकिन मेरे ऊपर अंगुली मत रख। तो अब विभा जी ने क्या किया कि हमारे ही एक कोई था मान लीजिए, तो उसको टारगेट कर लिया कि नहीं इसका होना चाहिए, तो अब वहाँ पर अगर हम कहते तो ये हो जाता मैं गलत था, तो हमने कहा कि अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप उसका भी कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं।